लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली में सीएए विरोधी दंगों के लिए अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को शुरुआती जांच में षड्यंत्रकारी माना है। दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद पर दंगों का मुकदमा आगे बढ़ाए जाने के पुख्ता आधार हैं। ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना के बयान को पर्याप्त आधार माना। ड्राइवर राहुल कसाना के मुताबिक ताहिर और उमर संपर्क में थे। राहुल कसाना के मुताबिक ताहिर ने दंगों के लिए पैसे बांटे थे। 8 जनवरी को शाहीन बाग के दफ्तर में ताहिर और उमर मिले थे। उमर खालिद पर दंगों के लिए भाषणों से भड़काने का आरोप है। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने मुस्लिम बताते हुए उमर का बचाव किया। पुलिस का क्या रोल रहा है इस पूरे दंगे में, जो भी उन्होंने चार्जशीट बनाया है वो कहीं ना कहीं से उनको निर्देश मिला है कि वो एक कहिए कि समुदाय विशेष के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का सच सामने आ रहा है। जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिद अंसारी जैसे लोग जिन पर कोर्ट ने जो निर्णय जो अपनी टिप्पणी की है उससे नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली में पिछले साल 23 से 24 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों ने जान गंवाई थी। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द होने के बाद कहा कि मुख्य अतिथि नहीं होने पर 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह को क्यों ना रद्द कर दिया जाए। शशि थरूर ने ट्वीट किया, अब जब इस महीने बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा कोविड की दूसरी लहर के कारण रद्द कर दी गई है और हमारे पास गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं है तो ऐसे में एक कदम आगे क्यों ना जाएं और जश्न को पूरी तरह से रद्द कर दें। शशि थरूर के इस बयान पर उनकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 का पालन करते हुए सारे काम किए जाने चाहिए। शशि थरूर जी को क्या मालूम आजादी क्या होती है, देश का गौरव क्या होता है। 26 जनवरी को हम देश गौरवान्वित होता है, उसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस नहीं होता, देश होता है। ये राष्ट्र के का अपमान जैसा वक्तव्य है, कभी किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने या प्रवक्ता ने इस तरह के वक्तव्य नहीं दिए। ये आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की आन बान शान है। कांग्रेस ने शशि थरूर को गणतंत्र दिवस महोत्सव को रद्द किए जाने वाले बयान को व्यक्तिगत बताया है। वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हर आदमी अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है। गणतंत्र दिवस देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। जो ट्रैक्टर परेड होनी थी उसकी रिहर्सल के रूप में कल जो प्रोग्राम हो रहा उसके लिए लगभग हमने अपने लोगों को 7 बजे बोला है तो मुझे लगता है 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। हजारों ट्रैक्टर्स होंगे। सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत होनी है। कृषि मंत्री ने आज फिर उम्मीद जताई कि बैठक से आंदोलन का हल निकलेगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझेंगी, सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार की 8 जनवरी की बैठक का इंतजार करने की दलील मान ली है। सुप्रीम कोर्ट आंदोलन से लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा भी देखेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। नए साल में पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। करीब 45 मिनट तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात चली। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी मीडिया से बिना बात किए वापस चली गईं। कुछ दिन पहले ही टीएमसी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंप कर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की थी। ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के रिश्ते हमेशा से तल्ख रहे हैं, ऐसे में दोनों नेताओं की ये मुलाकात अहम थी। यूपी के बदायूं गैंगरेप मर्डर केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। योगी ने जांच में एसटीएफ की मदद लेने को कहा है। वहीं पुलिस पर मामले के दबाने की कोशिश के आरोपों पर एडीजी से रिपोर्ट मांगी है। योगी ने कहा है दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उसके बाद से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते जैसे यह प्रकरण एसपी के संज्ञान में आया उन्होंने तत्काल त्वरित कार्रवाई की और तात्कालिक रूप से कार्रवाई न करने के दोषी पाए जाने पर इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया गया है और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जैसे ही सूचना मिली है कर ली गई है।
बदायूं में 3 जनवरी को एक आंगनबाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। मामला निर्भया केस जैसा है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि मुख्य आरोपी फरार है। उस पर 25,000 का इनाम रखा गया। तलाश में पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं। बहुत ही शॉकिंग है। मैंने इमीडिएटली इस पे कॉग्निजेंस लिया है। चिट्ठी लिखने के साथ साथ मेरी एक मेंबर जा रही है, आज ही रवाना हो रही है, और वो फैमिली से मिलेंगी और पुलिस से भी मिलेंगी, देखेंगी कि इस पे कार्रवाई ठीक से हुई है नहीं हुई है। इस मामले में इलाके के थाना इंचार्ज को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बने लव जिहाद कानून पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि यूपी सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020 और उत्तराखंड सरकार ने जो कानून बनाया है वो असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस कानून के जरिए पुलिस और सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। दरअसल हाल ही में यूपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाई है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को लालच देकर, भटकाकर या डरा धमकाकर धर्म बदलने को मजबूर करता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है, जिसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पूरे देश में एक बार फिर से वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारी हो रही है। वैक्सीनेशन की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए 8 जनवरी को फिर से देश के कुछ चुने हुए स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। इससे पहले 2 बार वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जा चुका है। 8 जनवरी को यूपी हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों में ड्राई रन होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से कल चर्चा करेंगे। राज्यों की तैयारियों को लेकर बातचीत होगी। वैक्सीन को लेकर ये 3रा ड्राई रन है। 8 जनवरी को होने वाले ड्राई रन का मकसद पिछली बार बाकी रह गई कमियों को पूरा करना भी रहेगा। कोविन ऐप को लेकर जो परेशानियां पिछली बार आई थी उन्हें भी स्वास्थ्य मंत्रालय दूर करेगा। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब केंद्र ने राज्य में स्थिति का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय टीम बनाई है। देश के कई राज्यों में जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहीं केरल में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केरल में पिछले 7 दिनों के दौरान कुल 35,038 नए मामले सामने आए हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार रोज लगभग 5,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से सिनेमाघरों में 100% दर्शक क्षमता को मंजूरी देने वाले आदेश को वापस लेने के लिए कहा है। कोरोना महामारी की वजह से बंद हुए पंजाब के स्कूल कल से खुलेंगे। पंजाब सरकार ने मार्च 2020 में बंद हुए सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। अभी सिर्फ कक्षा 5वीं से 12वीं तक बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे। स्कूल का समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक का होगा। पंजाब से सटे हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल दिसंबर में ही खोले जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 12 जगहों की पहचान की है जहां बर्ड फ्लू के मामले ज्यादा आए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा है। आज हम सबसे पहले आपको कुछ पोस्टर्स दिखाना चाहते हैं और ये पोस्टर्स दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन में लगाए गए हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इन पोस्टर्स में आपको जी न्यूज के रिपोर्टर्स के चेहरे पर क्रॉस के निशान बने हुए नजर आएंगे। यानी सिंगू बॉर्डर पर जहां किसान धरने पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं जगहों पर उनके टेंट्स के अंदर बाहर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जहां जी न्यूज के रिपोर्टर्स की तस्वीरें लगी हैं और उनके चेहरे पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। ये जो क्रॉस का निशान है इसे घृणा और नफरत का प्रतीक भी माना जाता है और इस आंदोलन में हमारे जी न्यूज के रिपोर्टर्स के चेहरे पर भी ऐसे ही निशान लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर्स में जो लिखा है अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं क्योंकि पंजाबी में लिखा है। पहले पोस्टर पर लिखा है, किसान भाइयों गोदी मीडिया से सावधान, ये सारे जी न्यूज के गोदी पत्रकार हैं। फिर दूसरे पोस्टर पर लिखा है, आंखें खोलो पंजाब के सिंह, तुम्हारे घर में लुटेरे घुसेंगे, ये पंजाबी में लिखा हुआ है। और यहां पर जी न्यूज के प्रति कुछ आंदोलनकारी, हम ये नहीं कह रहे कि सारे आंदोलनकारी, हम ये भी नहीं कह रहे कि ये किसान होंगे, हो सकता है ये कोई और हो सकता है
कि कुछ मुट्ठी भर प्रदर्शनकारी ऐसे हों जो चाहते हैं कि जी न्यूज के ये रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी, यहां पर प्रवेश ना कर सकें, क्योंकि हम इनकी हां में हां नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि हम इनकी फरमाइशी पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने दर्शकों को, आप सबको, जो सही है वही बता रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सच बताएं, और सच सबको खुश नहीं कर सकता। सच इसीलिए कहते हैं कड़वा होता है, क्योंकि जब आप सत्य कहते हैं, जब आप सच कहते हैं, तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, और सच को सहने की क्षमता हर किसी में होती नहीं। ये सारे जो प्रदर्शन आजकल हो रहे हैं, इससे पहले भी जो हो रहे थे, जैसे शाहीन बाग में भी हुआ, और भी आपने देखा होगा विरोध प्रदर्शन, ये सब लोकतंत्र के नाम पर होते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होते हैं, इस नाम पर होते हैं कि सबको बराबर का अधिकार है, आपको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, और हम जो कह रहे हैं हमारी राय की भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी बाकी लोगों की राय की है। लेकिन जब इनकी राय और मीडिया की राय नहीं मिलती, जब इनकी राय हमसे नहीं मिलती, तो ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश करते हैं, तब ये अलोकतांत्रिक हो जाते हैं, तब अभिव्यक्ति की आजादी भूल जाते हैं। जब किसी छात्र को कक्षा में अपने शिक्षक की बातें कड़वी लगती हैं, तो वो छात्र कई बार उस शिक्षक के लिए अपने मन में घृणा पैदा कर लेता है, ये जाने बिना कि शिक्षक उसी का भला चाहता है। आजकल मीडिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, और आप कह सकते हैं कि जी न्यूज के साथ बिल्कुल यही हुआ है। हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम अर्ध सत्य नहीं कहते, क्योंकि आधा सच ही असल में सबसे बड़ा झूठ होता है। किसान आंदोलन में भी हमने जो देखा, उसे बहुत ईमानदारी से आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, हमने सत्य और निष्ठा से पत्रकारिता की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हमारी सच्ची पत्रकारिता पसंद नहीं आई, और इसलिए उन्हें इस तरह के पोस्टर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, इस नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? यही कि हमने फरमाइशी पत्रकारिता करने से इनकार कर दिया, हमने वो बातें नहीं कही जो ये मुट्ठी भर लोग सुनना चाहते थे। अगर हमसे कुछ गलती हुई है, तो वो ये कि हमने देश के सामने सच बोल दिया, हमने किसान आंदोलन में देश विरोधी ताकतों की घुसपैठ का खुलकर विरोध किया, हमने हर खबर को ईमानदारी से और सही जानकारी के साथ आप तक पहुंचाया। यही हमारी गलती है, और इसीलिए हमारे नाम के यहां पर पोस्टर्स लगे हैं। असल में हम इन पोस्टर्स को अपना सबसे बड़ा इनाम समझते हैं, और हम इन पोस्टर्स को देखकर ये कह सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। असहनशीलता किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए आज आप किसानों के आंदोलन में लगे ये पोस्टर्स देख सकते हैं। दुनिया में पहली बार 15वीं सदी में हाथ से बने पोस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ पोस्टर्स का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए भी होने लगा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आई यही तस्वीरें हैं। किसानों के हितों को जी न्यूज ने हमेशा सबसे ऊपर रखा है, ये असली किसान जो हैं वो अपने दिल पर हाथ रखकर मान सकते हैं। आंदोलन की शुरुआत से ही हम लगातार कहते आए हैं कि किसानों की समस्याओं और उनके डर को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब हम किसानों की बात करते हैं, तब कोई हमें गोदी मीडिया नहीं कहता, तब इस तरह के पोस्टर्स नहीं लगाए जाते। लेकिन जब हम देश हित में पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों को एक्सपोज करते हैं जो इस किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तब इस तरह की बातें सामने आती हैं, और ये असहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने कहा था कि तीन चीजें ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। और किसान आंदोलन में शामिल हुए कुछ लोग यही चाहते हैं कि हम सच ना दिखाएं, और यह कोई नई बात नहीं। आपको याद होगा जी न्यूज के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, इससे पहले जेएनयू में और शाहीन बाग में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, जब हमने टुकड़े टुकड़े गैंग पर सच को पूरी निष्ठा के साथ आपको दिखाया था, लेकिन तब भी हमारा विरोध हुआ, और आज भी वैसा ही विरोध हो रहा है। लेकिन आज आपको हमारे सहयोगियों के अनुभव भी जानने चाहिए जिनकी तस्वीरें इन पोस्टर्स में लगाई गई हैं। इसलिए आज मैं ये चाहता हूं, हमारी जी न्यूज की टीम ये चाहती है कि जिन रिपोर्टर्स के और हमारे जिन सहयोगियों के चेहरे, तस्वीरें इन पोस्टर्स में लगी हैं, ये सारे लोग वहां पर गए हैं, इनके अपने अनुभव वहां पर कैसे रहे हैं, और ये अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर क्या कहते हैं, आज आप ये सुनिए।
दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने 26 नवंबर से इकट्ठा होना शुरू किया। दो दिन बाद दोपहर के 4 बजे के करीब मैं भी वहां उस आंदोलन को कवर करने के लिए पहुंची कि सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध है उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। बहुत देर तक किसान हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, उन्होंने अपनी बातें भी रखी। फिर अचानक आधे पौने घंटे के बाद वहां माहौल बदलने लगा। एक छोटा सा गुट आया और जो किसान मेरे साथ खड़े हुए, जो संगठन मेरे साथ खड़े हुए बात कर रहे थे, उन्हें रोकने लगा और उनसे झगड़ने लगा कि इनसे बात मत कीजिए। हालांकि बहुत से किसानों ने उनका विरोध किया। मेरे साथ जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि हमें अपनी बात रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म को, जी मीडिया को जरूर एड्रेस करना चाहिए और यहां अपनी बात भी रखनी चाहिए। जहां से ये किसान लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं बात करूं कि जब एंट्री करते हैं तो जहां पर बैठे हुए हैं वहां से लेकर के आगे तक, आखिर तक, बाकायदा वॉकी टॉकी के साथ इन्होंने अपनी सिक्योरिटी बना करके तैनात कर रखी है। यानी कि अगर आप किसान आंदोलन के इस मंच पर जाने की कोशिश करते हैं तो वहीं से आप पर नज़र रखनी शुरू कर दी जाती है। कौन जा रहा है, किस मकसद से जा रहा है, किस मीडिया से है, क्या बात करेगा, बाकायदा आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। और जब आप बात करना शुरू करते हैं तो उसी समय नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, ये तमाम हरकतें जो हैं इनकी तरफ से शुरू कर दी जाती है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को कवर करने के लिए मैं कई बार गया। इस दौरान जैसे ही हम रिपोर्टिंग की शुरुआत करते थे तुरंत चारों ओर हमारे कई लोग आ जाते थे, हमें घेर लेते थे, हमें रिपोर्टिंग करने से रोकते थे। कई लोग हमारे कैमरे के सामने आ जाते थे, हमारे खिलाफ नारा लगाते थे, गोदी मीडिया जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। और जब मैं उनसे ये पूछता था कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वही हम सिर्फ टीवी पर दिखा रहे हैं, इसका वो कोई जवाब नहीं देते थे। वो सिर्फ नारा लगाना, अपमानजनक शब्दों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जिसे हम ऑन एयर आपको नहीं बता सकते हैं। मुझे याद है एक शो किया था जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी और उसको इन्वेस्टिगेट भी किया था हमारे रिपोर्टर्स ने, जहां जहां किसानों के आंदोलन वाली जगहों से, कि भाई ये फंडिंग जो हो रही है ये प्रायोजित क्यों लग रहा है, ये स्पॉन्सर्ड क्यों लग रहा है, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी महंगी व्यवस्थाएं उन जगहों पर की गई, कौन कर रहा है, इसके पैसे कहां से आ रहे हैं, इसको लेकर हमने कुछ सवाल उठाए थे और उसको जानने की कोशिश की थी। ये एक शो हमने देशहित में किया था। अच्छा, उस शो के चलने के दूसरे दिन शाम को तकरीबन 7 बजे के लगभग मेरे इसी मोबाइल पर 2 अलग अलग नंबरों से फ़ोन आए, एक एक करके जो फ़ोन कर रहे थे मुझे, उनके फ़ोन कॉल में उनकी आवाज़ में गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उस गुस्से में ना उनको कहीं ये एहसास हो रहा है कि सच्चाई खुल रही है, चीज़ें अब पता चल रही हैं, ये चीज़ों को जानने की कोशिश में कुछ चीज़ें ये रिपोर्टर्स समझ गए हैं। किसान आंदोलन के दौरान मैंने 3 बॉर्डर्स पर रिपोर्टिंग की, चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर रिपोर्टिंग के दौरान कोई दिक्कत पेश नहीं आई, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के शुरुआती दिनों में जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो वहां का अनुभव मेरे लिए बहुत ख़राब था। एक बार मैं महिलाओं से बात कर रही थी और तभी वहां पर 3 से 4 लड़के आए और उन्होंने उन महिलाओं को भड़काना शुरू किया। देखते देखते पूरा माहौल बदल गया और हमारे खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली बॉर्डर पहुंचने के साथ ही मैं इस आंदोलन को कवर करते आया हूं, लेकिन ज्यादातर दिनों का अनुभव ठीक नहीं रहा, खास तौर से सिंघू बॉर्डर पर। जब भी हमने वहां से रिपोर्टिंग की, लोग घेर लेते थे, नारेबाजी करते थे, हंगामा करते थे, धक्का मुक्की करते थे, ये अमूमन हर दिन की स्थिति हो गई। 2-3 दिन तो हालात ऐसे बने कि सुरक्षा बल हमें बीच बचाव करके बाहर निकाल कर लाए। बाद में पुलिस अधिकारियों ने हमसे कहा कि आप थोड़ा दूर जाकर रिपोर्टिंग कीजिए, हमने वो भी किया, लेकिन होता ये था कि 3 से 4 किलोमीटर के हिस्से में प्रदर्शनकारी घूमते थे और जहाँ भी वो हमें देखते थे चारों तरफ से घेरते थे, नारेबाजी करते थे और साथ साथ में चारों तरफ जो यूट्यूब चैनलों के जरिए वो लाइव करते थे, 10-12 मोबाइल कैमरे आपके चारों तरफ होते थे, उनका हंगामा होता था और धक्का मुक्की होती थी। ये अमूमन हर दिन की स्थिति रही सिंघू बॉर्डर पर। तो अब के जो आंदोलन है वो पहले जैसे आंदोलन नहीं रहे।
पहले जिस तरह के आंदोलन आप देखा करते थे वो बड़े ऑर्गेनिक आंदोलन हुआ करते थे, अब जो आंदोलन है वो बड़े हाईटेक आंदोलन बन गए हैं। और इन आंदोलनों में सिर्फ प्रदर्शनकारी शामिल नहीं होते, सिर्फ किसान शामिल नहीं होते, सिर्फ एक वर्ग के लोग शामिल नहीं होते। ये आंदोलनकारी अब बहुत तरह की पार्टियों से आते हैं, बहुत तरह की विचारधाराओं से आते हैं, इन्हें पैसा भी कहीं बाहर से मिलता है और हर तरह का जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ये सबसे पहले ये देखते हैं कि किस न्यूज़ चैनल और किस अखबार के रिपोर्टर्स उनके बारे में कैसी कवरेज कर रहे हैं। उनके लिए एक बाकायदा एक मॉनिटरिंग सेल बना होता है जो ये बताता है कि किस न्यूज़ चैनल पर क्या चल रहा है, यानी हर न्यूज़ चैनल पर नज़र रखी जाती है, हर बड़े कार्यक्रम पर, हर बड़े एंकर पर, रिपोर्टर पर नज़र रखी जाती है कि वो अपने शोज़ में क्या कह रहे हैं। फिर ये देखा जाता है कि मीडिया का कौन सा वर्ग हमारे पक्ष में है और कौन सा वर्ग सही रिपोर्टिंग कर रहा है या फिर हमारे पक्ष में नहीं है। जो पक्ष में है फिर उसको बधाइयां दी जाती हैं, उन्हें सच्चा पत्रकार बताया जाता है, उन्हें अपना मनपसंद न्यूज़ चैनल कहकर उन्हें और प्रमोट किया जाता है। और जो उनके मनपसंद बातें नहीं कर रहे हैं, जो उनके एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उन्हें तरह तरह के आरोप सहने पड़ते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। और जैसा हमारे कुछ संवाददाताओं ने आपको बताया कि जैसे ही आप वहां कवर करने के लिए जाते हो उसी वक्त आप पर नज़र रखी जानी शुरू हो जाती है और आपकी एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी जाती है। और अब तो जैसे किसान आंदोलन में ही उनके अपने खुद के यूट्यूब चैनल उन्होंने बना लिए हैं, खुद का अपना अखबार भी बना लिया है। हम इस सब के खिलाफ नहीं हैं, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, लेकिन मीडिया को भी अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी होनी चाहिए। और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को पुश करने के चक्कर में ये मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब हाल के दिनों में हमारे जो अनुभव रहे हैं अलग अलग प्रोटेस्ट्स को कवर करने के, वो बहुत अच्छे नहीं रहे और ये भारत जैसे देश के भविष्य के लिए भी एक अच्छा संकेत नहीं है। जी न्यूज़ एक राष्ट्रवादी चैनल है, हम देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की भावना को सबसे ऊपर रखते हैं, हम देश के हितों को सर्वोपरि मानते हैं और हम चाहते हैं कि किसानों की जो दुर्दशा पिछले कई दशकों से हुई है उसमें बदलाव आना चाहिए। हम असली किसानों के साथ हैं, असली किसानों के साथ, छोटे किसानों के साथ हैं हम, उन किसानों के साथ नहीं जो बड़ी बड़ी SUVs में वहां पर आते हैं, जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स लेकर वहां पर आते हैं। हम छोटे किसान के साथ हैं। छोटे किसान की बात तो शायद आप तक आज भी पहुंच ही नहीं रही होगी, लेकिन हमारा मानना है कि कुछ लोगों ने किसान आंदोलन को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और असहनशीलता इसी की जड़ में है कि हमारे खिलाफ कोई भी अगर व्यक्ति या न्यूज चैनल बात कर रहा है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि किसान आंदोलन में भले ही हम लोग कुछ मुट्ठी भर लोगों के निशाने पर हों, लेकिन हमें गर्व है कि हमने तमाम विरोध के बावजूद किसानों की समस्याओं पर चर्चा अपनी जारी रखी है। किसानों की समस्याओं को जितना जी न्यूज ने उठाया है उतना किसी और ने नहीं। और इसे समझने के लिए आज हमने एक वीडियो विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए ताकि पूरा देश और पूरे देश के किसान खुद ये देख सकें कि इस किसान आंदोलन के दौरान जी न्यूज की जो कवरेज रही है, हमारी जो विचारधारा रही है वो क्या रही है, और फिर आप देखिए कि उसमें आपको क्या कमी नजर आई। गाजीपुर पर किसानों का क्या मूड है वो आपको दिखाते हैं और सबसे पहले जो उनकी सुबह है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनकी सुबह की शुरुआत होती है। यहाँ पर किसानों के लिए जो चाय है वो तैयार है, किसान यहाँ पर चाय पी रहे हैं, जो नाश्ता है वो भी तैयार किया जा रहा है, लोग लंगर की सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ पर खाना तैयार किया जा रहा है जिससे किसानों की जो सुबह है वो अच्छी हो और उन्हें नाश्ता मिल पाए। गाजीपुर पर जो किसान मौजूद हैं उनका ये कहना है कि किसी भी कीमत पर उनको जो बिल है वो मंजूर नहीं है। एक तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको दिल्ली के संत नगर के बुराड़ी में जो मैदान है वहाँ जगह दी जाएगी, लेकिन फिलहाल ज्यादातर किसान जो हैं वो यहीं पर जुटे हुए हैं। एक तरफ हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है का बोर्ड लगा हुआ है, इसके आगे दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है और इस बीच की जो सड़क है
ये पूरी तरह से जाम है। हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करने जा रहे हैं और जो सरकार काले कानून लेके आई है उसके बारे में सरकार ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है भी हम ये काले कानून वापस लेंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 2 महीने लग जाए चाहे 3 महीने लग जाए। तो कल से अब तक जमा होते होते अब धीरे धीरे पंजाब के और हरियाणा के बहुत सारे किसान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली करनाल बाईपास है, इस पर फिलहाल दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है और किसान फिलहाल यहीं पर जमे हुए हैं। अलग अलग बैनर्स और पोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग किसान संगठनों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। आप लोग अभी तक MSP पर ही सवाल उठा रहे थे कि MSP पर सरकार लिखित आश्वासन दे, आप सरकार अगर लिखित आश्वासन देने को तैयार है MSP पर मंडियों पर, तब आखिरकार समस्या कहां पर आ रही, क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं फिर इस कानून में अगर MSP और मंडियों पर सरकार लिखित आश्वासन नहीं। ऐसी MSP के उत्ते लिखित वाली गल की नहीं है, तो साढ़े तो डिमांड ही पहले दिन तो यह भी रद्द किए जा, पता नहीं किन्ने करी है मंग, लेकिन सही था जिन्ना चेर काले कानून रद्द नहीं होंगे उन्ना चेर असं वापस नहीं जावांगे। अगर लिखित में आश्वासन देती है तो हम मान जाएंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि लिखित MSP की मांग किसने की, ये लोग कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के चलते हुए जिस तरह से किसान NS-24 के ऊपर आकर के बैठ गए थे, उसके बाद से जो NS-24 है जो कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि जो आप ये NS-24 NS-9 के ऊपर है इसको बंद कर दिया गया, लेकिन इसमें जो किसान है जो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और जो गाजीपुर चौक के ऊपर बैठे हुए थे उनको यहाँ से आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन आम पब्लिक का जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है। अभी हमने यहाँ पर ये किसानों के लिए लगा रखा है, कुछ इतिहास की किताबें हैं और महापुरुषों की किताबें हैं, जैसे भगत सिंह की किताबें हो गई, जीवनी है महात्मा गांधी, फिदेल, ऐसी ऐसी है। अच्छा है, लोग आ रहे हैं किताबें यहाँ से इशू करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद में रिटर्न कर जाते हैं पढ़ करके, जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद भी रहे हैं। आप बाल बच्चे वाले हो, आपका भी जमीर होगा, अगर आपका लगे हम सही है तो हमारी की सुनवाई कर लियो, मिलनी चाहिए। इसी ठंड के अंदर ये पसीना है ना, ये पसीना तेल में बदल जाएगा, तेल से धक्का लगाएगा। वो भी आपका दर्द समझ रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी में भी हूँ, मेरी खुद की संस्था भी है जहाँ हम लोग 10-15 ट्राली लेकर भी आए हुए हैं। अगर ये भाई हमारे पास इस बात को लेकर आ गया तो हम लोग जबरदस्ती गाड़ियां भी छुड़वाएंगे इनकी, ये भी हमारा वादा रहा। क्या बात है, क्या बात है, बोलो। देखिए अच्छी बात है कि राकेश के आंसू किसान भी पहुंचने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इनका EMI नहीं चुक पा रही है, इनको दर्द है, तो किसान इनके जो डंपर फंसे हुए हैं वो निकलवाएंगे। ये एक यहाँ की एकता की भी मिसाल है। लेकिन हमारी अपील यही है कि जो भी आम आदमी है किसी को इससे दिक्कत ना हो, राकेश हों ये हों, किसी को इससे दिक्कत ना हो, आंदोलन चलता रहे शांतिपूर्वक तरीके से। अब आपको ऐसी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये किसान जहां भी आंदोलन कर रहे हैं उस जगह की आज साफ सफाई का पूरा ध्यान ये खुद रख रहे हैं। आंदोलन के दौरान जैसे ही वहां पर गंदगी फैलती है, क्योंकि इतने सारे लोग वहां खाते पीते भी हैं रहते भी हैं तो गंदगी तो फैलती ही है, लेकिन अब वहां जो युवा किसान हैं वो उस गंदगी को फौरन साफ करने में जुट जाते हैं। इन किसानों का कहना है कि वो ये नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद दिल्ली के लोग ये कहें कि इन्होंने शहर को गंदा करके छोड़ दिया। अब आप देखिए नेशनल हाईवे 24 से आई ये तस्वीर, यहाँ भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये सड़क बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई है, लेकिन जैसे ही आज यहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरी किसान सड़क से हट गए और उन्होंने इस एम्बुलेंस को गुजरने के लिए तुरंत रास्ता बना दिया। ये भी तारीफ के काबिल बात है। इतना ही नहीं, किसान जहां जहां भी आंदोलन कर रहे हैं उन सभी जगहों पर लंगर के तहत खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। किसान न सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए खाना पका रहे हैं बल्कि रास्ते से गुजरते लोगों को भी ये खाना कई बार वो ऑफर करते हैं, कहते हैं आप भी हमारे साथ खा लीजिए। किसान नहीं चाहते कि आंदोलन की वजह से रास्ते से गुजरता हुआ कोई व्यक्ति भी भूखा प्यासा वहां से गुजर जाए। आज की जो स्थिति है वो ऐसी है, आपको हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। वर्ष 1970 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था सफ़र, और उसमें एक गाना था, उस गाने के बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। आज की स्थिति में ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है। अब जो आंदोलनकारी हैं हमारे देश में, जो बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं, प्रदर्शनकारी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये सब लोग ये चाहते हैं
कि मीडिया इनकी हां में हां मिलाए, मीडिया इनके लिए फरमाइशी पत्रकारिता करे, मीडिया इनकी मदद करे और मीडिया भी इनकी टीम में इनके साथ शामिल हो जाए। ये चाहते हैं कि मीडिया भी इनके प्रदर्शन में इनके साथ धरने पर बैठ जाए और वहां से दिन भर इनका लाइव टेलीकास्ट चलता रहे। सिर्फ किसानों की बात नहीं कर रहा, हर जगह विचारधारा की लड़ाई है और जो विचारधारा की लड़ाई में मीडिया का जो हिस्सा और जो पत्रकार इनकी मदद करता है उसे ये सच्चा पत्रकार मानते हैं और जो देश को सच बताने की हिम्मत करता है उसको ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए गोदी मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गोदी मीडिया तो असल में वो था जो 1947 के बाद से ही लगातार सत्ता चलाने वाली पार्टी और सत्ता चलाने वालों की गोदी में बैठा हुआ था। गोदी मीडिया जो असली ओरिजिनल गोदी मीडिया है वो तो वो था जिसने पद्मश्री लिए, जिसने पद्म पुरस्कार लिए, जिन्होंने लोगों को मंत्री बनवाया, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को प्राइवेट ठेके दिलवाए, वो थे असली गोदी मीडिया। ये वो लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े पुरस्कार लिए, ये वो लोग थे जिन्होंने सरकारी बंगले ले लिए, ये वो लोग थे जो बाद में नेता बन गए, वो था असली गोदी मीडिया। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस गोदी मीडिया को पालने पोसने वाले लोग और उस गोदी मीडिया में शामिल लोग अब आजकल के नए बहादुर पत्रकारों को, सच्चे पत्रकारों को अब गोदी मीडिया कहने लगे हैं। हम ये बात आपको बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आप सब लोग सावधान रहें और आपके सामने सच आता रहे और आप सच को लगातार पहचानते भी रहें। अब मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताना चाहता हूं जिसे देश के हर उस नागरिक को जरूर पढ़ना चाहिए जिसे राजनीति में जरा भी दिलचस्पी है, जिसे भारत की राजनीति में कुछ जानने की इच्छा है। इस किताब का नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 टू 2017 और ये किताब लिखी है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। ये मेरे हाथ में है आज ये किताब। मंगलवार को ही ये किताब रिलीज हुई है यानी कल। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने इस किताब को प्रकाशित करने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस किताब को बिना उनकी इजाजत के लोगों के सामने अब ना लाया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं है और जो बातें वो लिखकर गए हैं उन्हीं बातों को अब उनका सबसे ईमानदार विश्लेषण देश की राजनीति पर माना जाएगा। इसलिए वैसे तो विश्लेषण हम करते हैं, डीएनए टेस्ट हम करते हैं, लेकिन इस बार प्रणब मुखर्जी अपनी इस पुस्तक में देश की राजनीति का डीएनए टेस्ट करके गए हैं, देश की राजनीति का विश्लेषण करके वो गए हैं। इसलिए आज आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि एक पूर्व राष्ट्रपति की नजरों में हमारे देश की जो पूरी व्यवस्था है उसे वो किस तरीके से देखते थे, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री से उनके कैसे रिश्ते थे, अपनी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी से कैसे रिश्ते थे, अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो कैसे आंकते हैं और इस देश में जो अलग अलग विभिन्न बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं उन पर उनकी राय क्या है। हम जानते हैं आप में से ज्यादातर लोगों के पास इस किताब को पढ़ने का समय होगा ही नहीं और बड़ी किताब है, आप शायद पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपका काम आसान करने के लिए हमने इस किताब को पढ़ लिया है और हम आपको इस किताब के बारे में लगातार बताते रहेंगे। और जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे इसमें 5 साल में देश की कई बड़े फैसले और घटनाओं पर बहुत अच्छी जानकारी मिली। उनमें से 7 बड़ी बातें मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये 7 बड़ी बातें अगर आपने शेयर कर ली तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रणब मुखर्जी ने क्या कहने की कोशिश की है। और इन बातों को सुनने के बाद देश की राजनीति, सरकार और कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में आपका नजरिया बदल भी सकता है। इसलिए ये किताब मैं लेकर आया हूं। अब हम आपको सामने इस किताब को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस किताब के पेज नंबर 20 और 21 पर लिखी गई बात मैं बताना चाहता हूं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व पर प्रणब मुखर्जी ने सवाल उठाए हैं। अब आप खुद सोचिए कि प्रणब मुखर्जी जीवन भर कांग्रेस पार्टी में रहे और उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया है। पेज नंबर मैंने जो आपको बताया, पेज नंबर 20, अब मैं खोजता हूं पेज नंबर 20 कहां पर है, ये देखिए।
पेज नंबर 20 हमने आपके लिए मार्क करके रखा है, क्या कहते हैं सोनिया गांधी पर। वाइल सोनिया गांधी वॉज अनेबल टू हैंडल द अफेयर्स ऑफ द पार्टी, डॉक्टर सिंह्स प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम द हाउस पुट एन एंड टू एनी पर्सनल कॉन्टैक्ट विद अदर MPs। बहुत बड़ी बात कहकर गए हैं और अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के बारे में वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी पार्टी के जो अफेयर्स थे, पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे थे, उनको वो ठीक से संभाल नहीं पाई और जो मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, वो संसद में बाकी के जो MPs हैं उनके साथ एक पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाने में सफल नहीं रहे, ऐसा वो कह के गए हैं। वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी तोहफे में कैसे मिली, इस पर भी उन्होंने बताया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं पेज नंबर 21 पर उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, आई बिलीव दैट द लीडरशिप ऑफ अ पार्टी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस हैज टू इवॉल्व अ डिफरेंट अप्रोच। इफ आई हैड कंटिन्यूड इन द गवर्नमेंट एज फाइनेंस मिनिस्टर, आई वुड हैव एंश्योर्ड ममताज कंटिन्यूटी इन द कोलिशन। सिमिलरली महाराष्ट्र वॉज हैंडल्ड बैडली पार्टली ड्यू टू डिसीजंस टेकन बाय सोनिया गांधी। I would have brought back Shivraj Patil or Sushil Kumar Shinde, considering the dearth of a strong leader from the state like Vilas Rao Deshmukh. I don't think I would have allowed the state of Telangana to be created. I firmly believe that my presence in active politics would have ensured that the Congress wouldn't have faced the drubbing it received in 2014 general elections. इसको आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए उन्होंने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि जब किसी पार्टी में कोई क्राइसिस होता है और संघर्ष का जब समय होता है तो पार्टी को अलग अप्रोच अपनानी चाहिए, अलग रास्ता अपनाना चाहिए, जो कि कांग्रेस ने नहीं किया, ये कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर मैंने सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर आगे अपनी सेवाएं जारी रखी होती तो मैं ममता बनर्जी को UPA की कोलिशन में, मैं ये इंश्योर करता कि ममता बनर्जी UPA से बाहर ना जाती और हमारे साथ ही रहती। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया और महाराष्ट्र को लेकर सोनिया गांधी ने गलत फैसले लिए और इसीलिए महाराष्ट्र हाथ से निकल गया। वो कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में नेतृत्व की कमी थी विलासराव देशमुख के जाने के बाद, तो अगर वो होते तो वो शिवराज पाटिल को या तो वापस लाते और या फिर सुशील कुमार शिंदे जैसे नेता को वापस लाते। फिर वो कह रहे हैं कि तेलंगाना को अलग राज्य बनाना भी गलती थी और अगर मैं होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। और फिर आगे ये कहते हैं, आई फॉर्मली बिलीव दैट माय प्रेजेंस इन एक्टिव पॉलिटिक्स वुड हैव एंश्योर्ड दैट कांग्रेस वुडंट हैव फेस्ड द ड्रबिंग। वो कहते हैं कि मुझे तो राष्ट्रपति बना दिया इसलिए मैं एक्टिव राजनीति से बाहर चला गया, लेकिन अगर मैं सक्रिय होता राजनीति में, यानी अगर उन्हें राष्ट्रपति ना बनाया गया होता और वो राजनीति में सक्रिय होते, तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हालत ना होती। ये कहकर, ये लिखकर गए हैं प्रणब मुखर्जी। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं। 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी तोहफे में कैसे मिल गई और 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को कैसे हासिल किया, यानी अर्न किया, ये इसके बारे में भी वो लिखकर गए हैं पेज नंबर 172 पर। अब मैं आपको, आज हमने इनको मार्क करके रखा है ताकि देश के लोग इसको सुन सकें। यह बड़ा दिलचस्प है मामला कि एक प्रणब मुखर्जी के नजरों से वो मनमोहन सिंह को कैसे आंकते हैं और नरेंद्र मोदी को कैसे आंकते हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों को उन्होंने देखा है और वो उनको कैसे आंकते हैं, देखिए उन्होंने लिखा है, द रूट टू प्राइम मिनिस्टरशिप फॉर द टू प्राइम मिनिस्टर्स आई वर्क्ड विद वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि उन्होंने दोनों के साथ काम किया, मनमोहन सिंह के साथ और मोदी के साथ, लेकिन दोनों का जो रूट था प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जो रास्ता था वो बिल्कुल अलग था। वो लिख रहे हैं, डॉक्टर सिंह वॉज ऑफर्ड द पोस्ट वॉज बाय सोनिया गांधी। डॉक्टर सिंह जो थे, यानी मनमोहन सिंह, उन्होंने इस कुर्सी को अर्जित नहीं किया था, इस कुर्सी को कमाया नहीं था, इसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं किए थे, उन्हें यह कुर्सी ऑफर की गई थी सोनिया गांधी द्वारा, यानी यह कुर्सी उन्होंने खुद नहीं कमाई थी, इसके लिए खुद परिश्रम नहीं किया था। एक तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुर्सी थी ये तो उन्हें एक तरीके से एक गिफ्ट की तरह सोनिया गांधी ने उन्हें दे दी थी, ऐसा वो लिख रहे हैं। अब देखिए फिर आगे क्या लिखते हैं। ये तो मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह तो सोनिया गांधी की मेहरबानी से बने प्रधानमंत्री।
मोदी ऑन द अदर हैंड बिकेम प्राइम मिनिस्टर थ्रू पॉपुलर चॉइस आफ्टर लीडिंग द बीजेपी टू अ हिस्टोरिक विक्ट्री इन 2014. ही इज अ पॉलिटिशियन टू द कोर एंड हैड बीन नेम्ड द बीजेपीज प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट एज द पार्टी वेंट इन टू कैंपेन मोड. ही वॉज देन गुजरात सीएम एंड हैड बिल्ट एन इमेज दैट सीम टू क्लिक विद द मासेज. ही हैज अर्नड एंड अचीव्ड द प्राइम मिनिस्टरशिप. प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इस कुर्सी को कमाया है, इस कुर्सी के लिए उन्होंने परिश्रम किया है और देश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है. यह फर्क है मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच में, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश की लोकप्रिय पसंद थे, पॉपुलर चॉइस थे और उन्होंने बीजेपी को जीत दिलवाई, जबकि मनमोहन सिंह के साथ ऐसा कुछ नहीं था. फिर लिखते हैं 2014 के आम चुनाव के बारे में, वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता ने भरोसा जताया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी. पेज नंबर 16 देखिए, अपनी ही पार्टी में उन्हें क्या कमी नजर आई. वो इतने वरिष्ठ नेता थे, उनकी पार्टी 2014 में हार गई, कैसे हारी और उसके बारे में वो क्या लिखते हैं, पहली बार देश को बताकर गए हैं. देखिए क्या लिखा है, अब पढ़कर सुनाता हूं. Of course, people may say that voters responded to my advice and gave a conclusive mandate in favor of PM Modi to form the government on its own. But there is no escaping the fact that Congress had failed miserably to fulfill people's expectations and aspirations. लोगों की जो उम्मीदें थी उन पर कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतरी. In fact, after the campaign, when all the formalities were complete, several important Congress leaders and ministers met me at Rashtrapati Bhavan. Interestingly, none of them expected a clear majority for either the Congress or the UPA combined. Their assessment of the numbers of seats that Congress could win varied from 110 to 170. तो कहते हैं जब वोटिंग कंप्लीट हो गई तो कांग्रेस के कुछ नेता और कांग्रेस की सरकार के कुछ मंत्री राष्ट्रपति भवन में इनसे मिलने गए. इन्होंने पूछा कि क्या लगता है चुनाव में, और उन्होंने ये कहा उनमें से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से सरकार बना पाएगी. सब ये बात अंदर ही अंदर जानते थे कि कांग्रेस पार्टी हारने वाली है, और कांग्रेस पार्टी के अपने मंत्री और बड़े बड़े नेताओं का जो असेसमेंट था वो ये था कि कांग्रेस जो है वो 110 से 170 सीटें जीत सकती है. कांग्रेस कुड विन वेरीड फ्रॉम 110 टू 170. मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपीए कंबाइन को इतनी सीटें मिलेंगी, लेकिन ये भी बहुत कम है. फिर लिखते हैं एक बहुत दिलचस्प बात उन्होंने लिखी है. वो लिख रहे हैं, ओनली पीयूष गोयल वॉज कॉन्फिडेंट दैट बीजेपी वुड गेट नो लेस देन 265 सीट्स एंड दैट नंबर कुड गो अप टू 280. कहते हैं उस समय सिर्फ पीयूष गोयल का ऐसा अंदाजा था कि बीजेपी को 265 से 280 सीटें मिल सकती हैं, और पीयूष गोयल की जो बातों पर शुरुआत में मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि जब मैंने मोदी की इलेक्शनरिंग शेड्यूल, मोदी का जो प्रचार का जो पूरा शेड्यूल था, जब उसको देखा चुनाव प्रचार का, तो उसमें मुझे समझ में आया कि नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में पूरे देश को कवर कर लिया था. इट कवर्ड द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. और जब मैंने इस प्रचार के पूरे कार्यक्रम को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि पीयूष गोयल क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को 280 सीटें भी मिल सकती हैं, ऐसा लिख कर गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने काफी तारीफ की है, और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद के शपथ समारोह में सार्क देशों के नेताओं को बुलाना, वो कहते हैं कि बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था मोदी का. प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय ने विदेश नीति के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी आश्चर्य में डाल दिया था, ऐसा वो लिखते हैं. और पेज नंबर 84 पर उन्होंने इसके बारे में वो लिख कर गए हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए. वो लिख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री जब वो बने तो उन्हें विदेश मामलों का, फॉरेन अफेयर्स का कोई जानकारी नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था. वो जानकारी नहीं, वो लिखते हैं ही हैड एब्सोल्युटली नो एक्सपीरियंस इन फॉरेन अफेयर्स, जो सही है. फॉरेन पॉलिसी वॉज देयरफॉर अ ट्रूली अनचार्टेड टेरिटरी फॉर हिम, बट ही डिड व्हाट नो प्राइम मिनिस्टर हैड अटेम्प्टेड बिफोर. उन्होंने वो सब किया जो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने करने की कोशिश भी नहीं की थी. उन्होंने सार्क देशों के नेताओं को
और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स को, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया। सब लोग आए भी और उन्होंने बड़े बड़े फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें हैरान कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस आइडिया से। फिर वो आगे लिख रहे हैं, आई फेल्ट दैट न्यू प्राइम मिनिस्टर्स जेस्चर ऑफ इनवाइटिंग द नेबरिंग कंट्रीज वॉज अ गुड वन। ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और वो आगे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड कम विद नो आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी बैगेज, ही वॉज टू कंटिन्यू विद दीज सरप्राइजेज। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक पुराने किसी बैगेज के साथ नहीं आए थे, फ्रेश माइंड के साथ आए थे, इसलिए वो इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। और उन्होंने उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी फॉरेन पॉलिसी में जो उन्होंने प्रयोग किए उनकी तारीफ की है, दो पेज ढाई पेज उस पर लिखा है। लेकिन आखिर में ये भी लिख कर गए कि प्राइम मिनिस्टर्स मोदी स्टॉप ओवर इन लाहौर वॉज अननेसेसरी एंड अनकॉल्ड फॉर गिवन द कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ऐसा यहां पर वो लिख रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के हर कदम की तारीफ की विदेश नीति में, कैसे वो वुहान गए, वहां पर उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की, कैसे वो लाहौर चले गए और बाकी भी जो उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हैं। आखिर में वो कहते हैं लेकिन लाहौर नवाज शरीफ से मिलने जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा हमारे मीडिया में जो आज अखबारों में हेडलाइन छपी है उसमें उन्होंने सिर्फ ये छापा कि प्रणब मुखर्जी ये कह रहे हैं कि मोदी को पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर नहीं जाना चाहिए था, बस। लेकिन हमारे देश का मीडिया जो ढाई पन्ने वो और लिख कर गए हैं जहां तारीफ की है मोदी की विदेश नीति की, उसको हमारे देश का मीडिया गोल कर गया और उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि मीडिया का सही रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। ये उन्होंने लिखा तो है एक लाइन में लेकिन उसके पीछे ढाई पन्ने और भी लिखे हैं जो कि कोई और मीडिया आपको बताएगा नहीं। किताब के पेज नंबर 156 पर नोटबंदी के बारे में भी उन्होंने बहुत अहम बात लिखी है। 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लागू हुई थी और वो लिखते हैं कि उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना हुई और वो उनसे मिलने के लिए गए और नोटबंदी को लेकर क्या बातचीत हुई वो आप देखिए। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे नोटबंदी के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी इस अनाउंसमेंट को करने से पहले, मुझे भी नहीं पता था, ऐसा कह रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि मुझे भी बाकी देशवासियों के साथ ही पता चला जब प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर आकर नोटबंदी के बारे में जानकारी दी, तो देश के राष्ट्रपति को भी तभी पता चला। फिर वो कह रहे हैं कि आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट डीमोनेटाइजेशन कुड नॉट हैव बीन डन विद प्रायर कंसल्टेशन बिकॉज दी सडननेस एंड सरप्राइज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सच अनाउंसमेंट्स। आपको याद होगा बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने कहा था कि पहले इसके बारे में किसी से कोई राय नहीं ली गई और अचानक नोटबंदी कर दी गई। यहां प्रणब मुखर्जी ये लिखकर गए हैं कि ऐसी अनाउंसमेंट्स के बारे में पहले से डिस्कशन नहीं किया जाता क्योंकि ये सारी चीजें लीक हो जाती हैं। और जिस तरह का ये पूरा मामला था डीमोनेटाइजेशन का, इसमें पहले से डिस्कशन की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक ही किया। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने अर्ली 70s में, 70 के दशक में यही डीमोनेटाइजेशन की जो आइडिया है ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कई बार प्रणब मुखर्जी ने भी दिया और उन्होंने सलाह दी थी इंदिरा गांधी को कि आप नोटबंदी कीजिए। हालांकि इंदिरा गांधी ने उनके सुझाव को स्वीकार नहीं किया। लिख कर गए हैं, इंदिरा गांधी हाउएवर डिड नॉट एक्सेप्ट माई सजेशन पॉइंटिंग आउट दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी वॉज नॉट येट फुल्ली मोनेटाइज्ड एंड दैट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इट वॉज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो प्रणब मुखर्जी तो खुद ही ये लिख रहे हैं कि मैं खुद नोटबंदी को लेकर इंदिरा गांधी को कितनी बार सजेशन सुझाव दे चुका हूं लेकिन उन्होंने मेरी ये बात मानी नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने लगी। कांग्रेस ने लगातार मिल रही हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था। और पेज नंबर 11 पर प्रणब मुखर्जी लिख रहे हैं ईवीएम के बारे में क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ईवीएम के बारे में वो लिखते हैं कि ईवीएम की जो को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो कहा, इन अप्रैल 2017 कांग्रेस लेड डेलीगेशन विद सेवरल लीडर्स, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद और दूसरे लोग, ईवीएम को लेकर एक मेमोरेंडम लेकर मेरे पास आए। ये लिख रहे हैं,
I have always reiterated my faith in this system since it has a host of advantages. तो ये कहते हैं कि मैं EVM के सिस्टम पर पूरा भरोसा करता हूं और EVM सही तरीका है चुनाव कराने का. और फिर आगे ये भी लिख रहे हैं वो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू प्लान एंड एग्जीक्यूट इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेज इन अ कंट्री एज लार्ज एज इंडिया. यानी भारत जैसे देश में EVM को मैनेज करना आसान काम नहीं है, लगभग मुश्किल है. तो आज हम आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जो कि नई किताब है वो पढ़कर हम आपको सुना रहे हैं. एक और दिलचस्प किस्सा उन्होंने लिखा है अपनी इस किताब में, और वो कह रहे हैं कि जब राष्ट्रपति के तौर पर वो विदेशी ज़मीन पर जाते थे यानी दूसरे देशों का दौरा करते थे, तो इससे पहले आई यूज टू डिस्कस द इशू विद द प्राइम मिनिस्टर. He would send me a letter in which the core points of our bilateral relations were mentioned and it was a practice initiated by Prime Minister Modi. तो ये वो कह रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी कि जब भी राष्ट्रपति बाहर जाते थे तो प्रधानमंत्री मोदी एक नोट बनवाते थे, पॉइंट्स बनवाते थे, कोर पॉइंट्स, उस देश के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, बायलेटरल रिलेशंस कैसे हैं, इसके बारे में एक नोट बना के राष्ट्रपति को भिजवाते थे ताकि राष्ट्रपति उसको पढ़ लें और उसके बाद उन्हें एक अच्छा अंदाज़ा आ जाए कि वो जिस देश में जा रहे हैं उसके साथ भारत सरकार की नीतियां क्या हैं और भारत के संबंध उसके साथ कैसे हैं. और वो लिखते हैं कि एक बहुत अच्छी जो प्रैक्टिस है ये प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी जो उन्हें बहुत अच्छी लगी. किताब के पेज नंबर 9 पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रणब मुखर्जी ने कुछ सलाहें भी दी हैं और वो लिखते हैं कि संसद की कार्रवाई ठीक से चले इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व प्रधानमंत्रियों से सीखना चाहिए, उन्हें संसद में ज़्यादा समय बिताना चाहिए और विरोध की आवाज़ को भी उन्हें सुनना चाहिए. ये भी एक चीज़ वो लिख कर गए हैं. और Prime Minister Modi, now in his second term, must take inspiration from his predecessors and provide visible leadership through his enhanced presence in Parliament to avoid situations that had precipitated the parliamentary crisis we witnessed in the first term. ऐसा वो लिखकर गए हैं. लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपको जो बात समझ में आनी चाहिए वो ये कि प्रणब मुखर्जी बीजेपी जिसकी सरकार है अभी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विरोधी दल है कांग्रेस पार्टी उसके सबसे वरिष्ठ नेता थे प्रणब मुखर्जी. दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद होना लाजमी है. दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं, अलग अलग विचारधाराओं के हैं. और वो ये लिख कर गए हैं कि उनका जो अनुभव था वो मनमोहन सिंह के साथ कैसा रहा जो कि उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, और नरेंद्र मोदी के साथ कैसा रहा जो उनकी विरोधी पार्टी के और विरोधी विचारधारा की पार्टी के प्रधानमंत्री रहे. और इसमें वो बहुत ईमानदारी से ये बात बताकर गए हैं कि सोनिया गांधी से उन्हें क्या क्या उनके फैसले उन्हें गलत लगे. एक बात जो यहाँ पर मिस होती है वो ये कि प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं लिखा. हमने किताब पढ़ी और हम सोच रहे थे कि शायद राहुल गांधी के बारे में कुछ लिख कर गए होंगे, राहुल गांधी के लिए भी कुछ सलाहें देकर गए होंगे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को ना तो उनको उनके बारे में कोई विश्लेषण किया है ना ही राहुल गांधी को वो कोई सलाह यहाँ पर देकर गए हैं. लेकिन अच्छी किताब है जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्रणब मुखर्जी ने 5 साल जब एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह इस देश के राष्ट्रपति के तौर पर इस देश की राजनीति का विश्लेषण किया तो उन्हें क्या दिखाई दिया. प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ.